हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो आपके सामने आ चुका है दोस्तों आदित्य बिरला मनी, जो अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस 37 के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको बहुत बहुत अच्छा जो है रैली देखा जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा जो है आपको मूवमेंट देखा जाएगा। अभी देख सकते हैं 37 के आसपास है दोस्तों, ये हो सकता है कि 40 रुपीज़ को भी क्रॉस कर दे जल्दी दोस्तों, 41 या 42 के आसपास जो क्रॉस कर देगा। तो दोस्तों इस कंपनी का जो रियल नेम था वो अपोलो करके था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का जो है आदित्य बिरला नाम क्यों रख दिया गया, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का 76% स्टेक जो है आदित्य बिरला ने खरीद लिया, उसके बाद जो है इस कंपनी का आदित्य बिरला ही नाम रखा गया इस कंपनी का। और ये दोस्तों ये जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये कंपनी जो है आपको फुल टाइम ब्रोकरेज देती है दोस्तों, फुल टाइम ब्रोकर, और जितना ज़्यादा फैसिलिटी देती है उसके हिसाब से थोड़ा पैसे भी एक्स्ट्रा कट करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा फैसिलिटी होगा थोड़ा पैसे भी कट करेंगे। और दोस्तों इस कंपनी का जो ब्रांच है कम से कम 800 के आसपास जो ब्रांच है दोस्तों पूरे इंडिया में, तो हालांकि आप जहाँ भी हो आपके आसपास में एक दो ब्रांच तो मिल ही जाएंगे जो रिलेटेड होंगे इससे। तो दोस्तों एक कंपनी में जो है अभी थोड़ा बहुत जो है रैली आपको देखा जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी को जो है आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना। हालांकि दोस्तों एक दो दिन में अगर आपको प्रॉफिट मिलता, स्टॉक अगर आपको नीचे वाले बेस पर मिल जाता तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो देख लीजिए स्टॉक बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए जब ये गया था, यहाँ देख सकते हो बार बार इसने एक लोवेस्ट बनाया था, बहुत लोवेस्ट क्या बनाया था, 33 के आसपास इसने लोवेस्ट बनाया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 38 या 40 के आसपास इसने जो है हाईएस्ट बनाया था, उसके बावजूद दूसरा जो है इसने बना दिया था दोस्तों। ये क्या होता है डबल, ठीक है, डबल जब पैटर्न बना देता है दोस्तों, डबल लोअर बॉटम बना देता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जहाँ स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे कंपनी में हमें थोड़ा बहुत रखना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, और नीचे मैं देखता हूँ। और दोस्तों आदित्य बिरला मनी में आपको जो है अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जिस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उस हिसाब से आपसे पैसे भी लेती है। बहुत कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जीरोधा के प्लेटफॉर्म में या किसी और के प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करती है कि कभी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह से। आप जो है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी करना है आप इसी में एक ही चीज़ में सारा फैसिलिटी दे दिया जाता है। हालांकि यहां पर वेबसाइट का भी फैसिलिटी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटली ये जो है ब्रोकर से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, कुछ दिन में अगर आपको प्रॉफिट मिलता तो बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।